দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি কোঅপারেশন মন্ত্রকের দায়িত্ব রয়েছে না অমিত শাহ। সোমবার ইন্টারন্যাশনাল ডেয়ারি ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড ডেয়ারি সামিটে উপস্থিত থেকে এহেন অমিত শাহের গলাতে ভারতীয় অর্থনীতি শোনা গেল ইতিবাচক সুর। তিনি জানিয়েছেন, কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসবে ভারত এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধিতে সমবায় ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। অমিত এদিন ঘোষণা করেছেন, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে গ্রাম স্তরে 2 লক্ষ দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র তৈরিতে সহায়তা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি জানিয়েছেন, দুগ্ধ শিল্পকে পেশাদারিত্ব, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, কম্পিউটার এবং ডিজিটাল লেনদেনের সাহায্য নিতে হবে, নইলে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হবে এই শিল্প। तो 74 से 22 का ये कालखंड हमारे करोड़ों पशुपालक भाइयों और विशेषकर बहनों और किसानों की प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज देश इस क्षेत्र के अंदर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमने निर्मित की है। लाखों छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के योगदान से आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ खड़ा है। और आज इस शिखर सम्मेलन का जो विषय चयन किया गया है वो विषय भी बहुत प्रासंगिक है। मैं इस पर थोड़ा बाद में आऊंगा, परंतु मैं एक बात, क्योंकि आज यहां कोऑपरेटिव की चर्चा हो रही है, ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 से 2022 के 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग लगाकर आज यहां पर हो रहा है। 2014 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सालों में ही हम 3रे नंबर पर पहुंचेंगे। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, 3रे नंबर पर भारत जब पहुंचेगा, पूरा विश्व 3रे नंबर पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव के योगदान को भी निश्चित रूप से चर्चा करेगा। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय जो बनाया, इसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि सहकारिता के माध्यम से देश के 70 करोड़ लोग जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, वो अपने पास बहुत कम पूंजी है, वो पूंजी को लगाते लगाते कोऑपरेटिव बनाकर देश के अर्थतंत्र में अपना योगदान भी करे और सम्मान के साथ अपने